आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत कर 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। वाराणसी आएंगे पीएम मोदी, देश को टीबी मुक्त करने के लिए काशी से पंचायत अभियान की कल शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। योगी सरकार 2.0 में अब तक 21 कुख्यात हुए ढेर। माफियाओं की एक वर्ष में 1849 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। राहुल गांधी को वाराणसी की कोर्ट से बड़ी राहत, लंदन वाले बयान के खिलाफ दाखिल परिवारवाद खारिज। एडीजी प्रशांत कुमार का बड़ा बयान, बोले अतीक के दोनों नाबालिग बेटे सुरक्षित, गिरोह की अब तक 1168 करोड़ की संपत्ति जब्त। राज्यमंत्री ने बजाया झीका, विधायक जमकर नाचे, चैत्र नवरात्रि पर देवी जागरण में पहुंचे मनोहर लाल पंत और राम रतन कुशवाहा। विंध्य महोत्सव एवं प्रदर्शनी का कैबिनेट मंत्री ने किया उद्घाटन, मालिनी अवस्थित देवी गीतों की प्रस्तुति कर श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध। आगरा में टौला कैला देवी मंदिर पर रामचरित पाठ चैत्र नवरात्रि पर विशेष रूप से सजाया गया, प्रशासन ने साफ सफाई के दिए हैं निर्देश। आजमगढ़ में नवरात्र और रमजान को लेकर अलर्ट, मिली जुली आबादी वाले इलाकों में मॉनिटरिंग शुरू, देर रात तक चला चेकिंग अभियान। प्रयागराज में 8 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, माफिया अतीक तक कार्रवाई से पहले सूचना पहुंचाते थे। गोरखपुर में फर्जी दरोगा बन घूम रहा था कंप्यूटर इंजीनियर, पुलिस का रौब झाड़कर करता था वसूली। बाहर रोती रही बच्ची, अंदर मां बाप ने दे दी जान। आगरा में दंपति के शव साड़ी के फंदे से लटकते मिले, 4 साल पहले हुई थी शादी। मेरठ में दिन दहाड़े महिला किडनैप, तमंचे के बल पर 4 से 5 बदमाश स्कॉर्पियो लेकर भागे, पिता के साथ तारीख पर जा रही थी। आगरा में रिटायर सीओ को धमकी देकर 6 लाख वसूले, 10 लाख डिमांड पर पुलिस कमिश्नर से शिकायत। आगरा में मिला 242 किलो बारूद, 421 डेटोनेटर ने के साथ 3 गिरफ्तार, पुलिस बोली विस्फोटक होता तो पूरा गांव तबाह हो जाता। रामपुर में 2.5 साल की मासूम से हवानियत, दरवाजे से उठा ले गया, बाग में किया रेप, पुलिस ने दौड़ाकर पैर में मारी गोली। गुड्डू मुस्लिम की दुकान भी गिराएगा पीडीए, प्रयागराज में दुकान पर भी ध्वस्तीकरण नोटिस चस्पा। आगरा में पुलिस ने व्यापारी को लात घूंसों से पीटा, जेल भेजने का डर दिखाकर 10,000 रुपए निकाले। महिला आईएएस ने दिखाई महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी, कैबिनेट मंत्री ने किया प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन। मिर्जापुर में भालू ने 7 लोगों को किया घायल, बघेड़ा कला गांव के घर में घुसा, ग्रामीणों ने किया बंद, एक का मुंह नोचा। उन्नाव में इंस्पेक्टर समेत 11 दरोगाओं के तबादले, भूमा अग्रवाल बनी मगरवार चौकी इंचार्ज, एसपी से देर रात तबादले की सूची जारी।
रामपुर में संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति का शव बरामद, परिजनों ने पत्नी साले सहित 5 पर लगाया हत्या का आरोप। देवरिया में विधवा महिला ने लगाया छेड़खानी का आरोप, थाना अध्यक्ष ने कहा मामला पुराना, जांच कर होगी कार्रवाई। मेरठ के चर्चित तेहरे हत्याकांड में 3 को उम्र कैद, शास्त्री नगर में LIC एजेंट की घर पर पत्नी सहित हुई थी हत्या। फतेहपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पिता ने कहा शराब पीने का आदि था बेटा, अक्सर शराब पीकर करता था गाली गलौज। गाजीपुर में बेसिक शिक्षा विभाग का नया कारनामा, वर्ष 2023 में परीक्षा में आया वर्ष 2022 का प्रश्न पत्र। गाजियाबाद में कुट्टू खाने से करीब 100 लोग हुए बीमार, पहले चक्कर आए फिर उल्टियां हुई, 6 गांव और 3 कॉलोनियों में असर। नोएडा में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, धुएं से 10 लोग बेहोश, फायर फाइटर के कंधे पर उठाकर किया रेस्क्यू। इटावा में महंत राजू दास के बिगड़े बोल, राहुल गांधी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, सनातन धर्म के लोगों से 4 बच्चे पैदा करने की अपील। गाजीपुर में पुलिस उप महानिरीक्षक देर रात किए पैदल भ्रमण, शहर की सुरक्षा व्यवस्था का लिया फीडबैक। सीतापुर में नौकर की गोली मारकर हत्या, दुश्मन को फंसाने के लिए मालिक ने पेट में मारी गोली, पुलिस को फोन कर किया गुमराह। हरदोई में अधिवक्ता और प्रधान के भतीजे पर हुआ हमला, बुलेरो चढ़ाकर खाई में फेंकने से 2 की मौत, एक घायल, प्रधानी की रंजिश में मारने का आरोप। हमीरपुर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के एक दूसरे पर किया जानलेवा हमला, हमले में महिलाओं सहित 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। लखनऊ में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, चालक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, ट्रक के अंदर खून से लथपथ मिला था ड्राइवर का शव। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी को लाया गया कानपुर कोर्ट, आगजनी वाले मामले में चश्मदीद कनीज जेहरा की होनी है गवाही, इससे पहले वकीलों की स्ट्राइक के चलते नहीं हो पाई थी गवाही। कानपुर में करौली बाबा की बड़ी मुश्किलें, करौली सरकार में 1 श्रद्धालु हुआ गायब, गाय युवक का अभी तक कोई भी पता नहीं। प्रयागराज में अतीक के जुड़े प्रॉपर्टी डीलर पर कसेगा शिकंजा, आर्थिक सपोर्ट करने वाले प्रॉपर्टी डीलर हुए चिन्हित, प्रॉपर्टी डीलरों की अवैध प्लाटिंग पर चलेगा बुलडोजर। पुरानी पेंशन बहाली का मामला, 11 अप्रैल को देश में धरना प्रदर्शन होगा, आयोजित इंडियन पब्लिक सर्विसेज एम्प्लॉयर्स फाउंडेशन का आह्वान। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी खबरें आई सामने आई हैं, 1 इंस्पेक्टर, 3 दरोगा समेत 8 पुलिसकर्मियों का तबादला, अतीक से नजदीकियों के चलते तबादले की आशंका। दो हजार 24 से पहले बीजेपी का मुस्लिम बाहुल इलाकों में फोकस, मुस्लिमों को उर्दू में मन की बात समझाने का होगा प्रयास, प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने को लेकर चल रहा है टारगेट। कल नहीं दिखा रमजान मुबारक का चांद, शिया और सुन्नी मरकजी चांद कमेटी ने किया ऐलान, देश भर में शुक्रवार को होगा पहला रोजा। यूपी में होली के बाद बड़े कोविड मरीज, सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 110। उन्नाव के जिला अस्पताल में OPD पर्चा बनाकर जा रहा था ऑफलाइन,
ना के बराबर बनाया जा रहा है मरीजों का ऑनलाइन पर्चा, काउंटर पर लग रही है लंबी लाइन। बिजनौर में लापता युवक का शव जंगल में मिला, कई दिनों से लापता था युवक, पुलिस को खून से लथपथ मिला शव। लखनऊ के खुनखुनजी ज्वेलर्स के मालिक को धमकी, लॉरेंस के नाम पर मांगे गए थे 30 लाख, सराफा ने चौक थाने में दर्ज कराई थी अपनी FIR। अलीगढ़ में एक बार फिर खाकी हुई शमशाद, दरोगा का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। अलीगढ़ में छेड़खानी की शिकार छात्रा ने छोड़ी पढ़ाई, पुलिस की कार्रवाई न होने पर छात्रा की मां ने आत्महत्या की दी धमकी। बाराबंकी में युवक ने पुलिस से की शिकायत, कुछ लोगों ने युवक के साथ की थी मारपीट। बिजनौर में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। फरीदाबाद में मकान मालिक ने किराएदार के बेटे पर निकाला गुस्सा, नाबालिग बच्चे को मकान मालिक ने पीटा। हरदोई में दोहरे हत्याकांड मामले में मेडिकल कॉलेज पहुंचे IG, IG ने चश्मदीद से बात कर पुलिस को दी है कार्रवाई के निर्देश। हरदोई में बाइक सवार पर हुआ हमला, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में समाजसेवी ने किया विवाहित महिला का अंतिम संस्कार, मिशन अंता आत्मसंतुष्टि संस्थान ने दिया था महिला को सहारा। रायबरेली में धर्मांतरण का खेल जारी, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर दबंगों ने नाबालिग के साथ की मारपीट। रायबरेली में RTO का बड़ा एक्शन, 5 एम्बुलेंस का काटा चालान, एम्बुलेंस चालकों में मचा हड़कंप। गोंडा में पत्रकार संगठन ने SP को सौंपा ज्ञापन, कोतवाल कर्नलगंज के तानाशाही को लेकर सौंपा ज्ञापन, शीघ्र कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। लखनऊ में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त, 40 बीघे में चल रही है अवैध प्लाटिंग को किया गया ध्वस्त। कानपुर में 4 दिन से लापता युवक का मिला है शव, परिजनों का ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। लखीमपुर खीरी में छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुई हैं, मोबाइल की दुकान पर रखी गई थी ये दवाएं। हमीरपुर पुलिस का नया कारनामा सामने आया है, हादसे को अंजाम देने वाले ट्रैक्टर को बदलकर दूसरे पर लिखी FIR, 1 युवक की हुई थी मौत। अयोध्या में 780 परीक्षक रहे मूल्यांकन में गैर हाजिर, अनुपस्थित रहने वाले परीक्षकों पर सख्ती की तैयारी, अब कटेगा वेतन। सीतापुर में बच्चों के खेलने के दौरान गिरी मंदिर की दीवार, मलबे में दबे मासूम की मौत, 2 घायल, जांच में जुटी पुलिस। बलिया में हार्निया के ऑपरेशन के दौरान युवक की मौत, निजी क्लिनिक में चल रहा था इलाज, मऊ के चिकित्सक ने किया था ऑपरेशन।
जलौन में खेलते खेलते गड्ढे में गिरा बच्चा, बच्चे की हुई मौत। नमामि गंगे योजना की पाइपलाइन बिछाने को हुई थी खुदाई। अम्बेडकर नगर में जर्जर दो पुलों के निर्माण कुल मिली है मंजूरी। 50,000 लोगों के आवागमन में मिलेगी सुविधा। जल्द शुरू होगा टेंडर की प्रक्रिया। ललितपुर में साइकिल चालक की दूसरे दिन भी नहीं हो सकी शिनाख्त। शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। तेज रफ्तार वाहन ने मारी थी टक्कर। दो दिन से लापता बच्ची का शव नाले में मिला। घर से 200 मीटर की दूरी पर मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में ठगी करने वालों की संपत्ति को भूत प्रेत की बाधा बताकर तंत्र विद्या के नाम पर ठगे गए लाखों। 43 लाख की संपत्ति कुर्क। फतेहपुर में घर में घुसकर कक्षा 6 की छात्रा से हुई छेड़खानी। पीड़ित मां ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। थाना पुलिस ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। चंदौली में युवक की ससुराल में हुई मौत। दो दिन पहले ससुराल आया था युवक, सुबह मिला था मृत। मेरठ में नवरात्रि और रमजान पर विशेष सुरक्षा। एसएसपी ने की आपसी सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील। कौशाम्बी में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई। बोरिंग मशीन का पाइप हाईटेंशन तार से छूने पर हुआ यह बड़ा हादसा। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ा। मुजफ्फरनगर में संविदा कर्मी से 4.5 लाख की ठगी। बिजली विभाग में नौकरी का दिया झांसा। पिता ने घर गिरवी रखकर दिए पैसे। मेरठ में घर के बाहर से भाई बहन लापता। रात में खेलते समय गायब हुए बच्चे। तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर से लखनऊ की ओर जा रही मालगाड़ी का इंजन फेल। कानपुर सेंट्रल तक एक्सप्रेसवे ट्रेन जहां तक थी तहां खड़ी। घंटे भर बाद बहाल हुआ ट्रैक। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।